हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। सिराज के बूथ पालकों से सीएम जयराम ने की दिल की बात। कोरोना संकट के बीच सीएम जयराम ने आज अपने गृह विधानसभा क्षेत्र सिराज के बूथ पालक होने के नाते बातचीत की। इस दौरान उन्होंने अपनी पार्टी के लोगों से ये बात स्पष्ट तौर पर कही कि कोरोना को हम बढ़ने से पूरी तरह तो नहीं रोक पाए, लेकिन बाकी राज्यों की तुलना में आज भी हमारा प्रदेश बेहतर स्थिति में है। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत में कहा कि इसका एक ही कारण है कि जो हमारे अपने बड़ी संख्या में दूसरे प्रदेशों में फंसे हुए थे, उनको लाना जरूरी था। उन्हीं में से कुछ इस तरह के मामले आए जो संक्रमित रहे, उससे हमारे यहाँ का आंकड़ा बढ़ गया। सीएम ने कहा कि हमारी कोशिश है कि सभी तरह की व्यवस्थाएं जल्द से जल्द ठीक हों। जयराम ने अपने क्षेत्र के पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि व्यस्तताओं के कारण इन दिनों बातचीत संभव नहीं हो पा रही है, लेकिन माहौल बदलेगा तो हम बीजेपी मंडल की बैठक भी करेंगे। आपके वहाँ बूथ पर सब पार्टी के काम में आप सब लोग लगे हैं, ऐसी जानकारी बीच बीच में मेरे को मिलती रहती है, लेकिन आजकल व्यस्तताओं के कारण ये संभव नहीं हो पा रहा कि मैं अपने विधानसभा क्षेत्र में सब लोगों से बातचीत कर पाऊँ। हिमाचल प्रदेश में कोरोना को हम पूरी तरह तो नहीं रोक पाए हैं, लेकिन फिर भी बाकी राज्यों की तुलना में आज भी हम बहुत बेहतर हैं। कुल मामले बढ़े तो हैं जरूर पिछले दिनों में, और उसकी बढ़ने की वजह ये हुई कि जो लोग हमारे ही गांव के घर के रिश्तेदार साथी हमारे हिमाचल के रहने वाले जो दूसरे प्रदेशों में फंसे हुए थे, उनको लाना बहुत ज़रूरी था, और वो बड़े संकट में थे, बहुत खराब परिस्थितियों में थे। तो जब उनको लाया तो उनके साथ में कुछ मामले और इस प्रकार के आए, और जो है वो आपके ध्यान में है। इसके बाद थोड़ा माहौल ठीक होगा तो मंडल की बैठक भी हम करेंगे, और मंडल की बैठक करने के साथ साथ में फिर और भी चीज़ें जो डेवलपमेंट के जो कामकाज होंगे उनको भी हम करने के लिए तेज गति से काम शुरू करेंगे। विदेशों में फंसे हिमाचली हिमाचल भवन दिल्ली में करें संपर्क। हिमाचल के डीजीपी एसआर मरड़ी ने कहा कि जो हिमाचली विदेशों में फंसे हैं और वापस आना चाहते हैं, वह रेजिडेंट कमिश्नर हिमाचल भवन नई दिल्ली ऑफिस में संपर्क करें। रेजिडेंट कमिश्नर हिमाचल भवन को नोडल अधिकारी बनाया गया है। एक वीडियो संदेश में उन्होंने कहा कि कुछ मकान मालिक किरायेदारों को तंग कर रहे हैं, एक साल तक का किराया एडवांस मांग रहे हैं। कोरोना के संकट में इस तरह की मांग जायज नहीं है। मकान मालिक लोगों के दुख और तकलीफ को समझें। डीजीपी ने कहा कि रेड जोन से हिमाचल आने वाले लोगों को संस्थागत क्वारंटाइन में रखा जाएगा। 6-7 दिन बाद अगर कोविड टेस्ट में वे नेगेटिव पाए जाते हैं तो बाकी का समय होम क्वारंटाइन में बिताएंगे। संस्थागत व होम क्वारंटाइन को मिलाकर 14 दिन की अवधि जरूरी है। कुछ लोग होम क्वारंटाइन के नियमों की पालना नहीं कर रहे हैं, ऐसे लोगों को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन के बारे में कुछ कंफ्यूजन है, मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूं। जो लोग रेड डिस्ट्रिक्ट से हिमाचल आएंगे उन्हें इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रखा जाएगा। 6-7 दिन के उपरांत उनका जब टेस्ट किया जाएगा, अगर टेस्ट में नेगेटिव आता है वो बाकी टाइम होम क्वारंटाइन में रह सकते हैं। इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन प्लस होम क्वारंटाइन कुल मिला के 14 दिन का रहेगा, और जो होम क्वारंटाइन का आदेश होगा उसका कड़ाई से पालना करना होगा। लेकिन अफसोस की बात है कि अभी भी लोग होम क्वारंटाइन का नियमों का पालना नहीं कर रहे हैं। जो हिमाचली विदेशों में फंसे हैं वे अगर हिंदुस्तान आना चाहते हैं तो जो रेसिडेंट कमिश्नर हिमाचल भवन दिल्ली के ऑफिस को संपर्क कर सकते हैं, उन्हें नोडल ऑफिसर बनाया गया है। चारपाई पर उठाकर एम्बुलेंस तक मरीज को पहुंचा रहे ग्रामीण। सीएम जयराम के गृह जिला के लांगड़ा गांव के लिए आखिर कब एम्बुलेंस रोड निकलेगा और कब युवाओं के पीठ का बोझ उतरेगा, इसका जवाब ना तो राजनेता दे पा रहे हैं और ना ही स्थानीय जनप्रतिनिधि। प्रशासन की तो बात मत पूछो, वे तो फाइलों में उलझा पड़ा है। हालत ये है कि एम्बुलेंस जाने लायक सड़क न बनने के कारण 2 लोगों की मौत हो चुकी है। वैसे तो जोगिंदरनगर इलाके में सड़कों का जाल बिछा हुआ है, लेकिन लांगड़ा गांव की दलित बस्ती आज भी एम्बुलेंस रोड की राह ताक रही है। सड़क गांव तक पहुंचाने का मामला कई बार गूंजा, लेकिन सड़क कागजों में ही निकलती रही। राजनेताओं ने भी घोषणाएं की, बजट देने की बात कही, लेकिन धरातल पर अभी तक कुछ नहीं हो पाया। लोक निर्माण विभाग के एसडीओ राहुल कुमार का कहना है कि विभागीय टीम सड़क के सर्वे के लिए गई थी, लेकिन एक व्यक्ति ने अपनी जमीन का हवाला देते हुए आपत्ति जाहिर की। हमारे गांव में सबसे ज्यादा समस्या है कि जो बुजुर्ग वगैरह होते हैं उनको सबसे ज्यादा जो चारपाई में उठा के ले जाना पड़ता है, कोई एम्बुलेंस सुविधा नहीं है,
और एम्बुलेंस के लिए हमने रोड के लिए हमने कई बार में जो है सरकार से भी डिमांड करी। अभी ताजी जो है इसमें अभी एप्लीकेशन भी गई हुई है डीसी मुख्यमंत्री से और सभी जगह के लिए, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अभी अभी ताज़ी न्यूज़ हुई है 2-3 दिन पहले, एक दिन पहले की बात है कि अभी एक आदमी की गिर गया और उसको चारपाई में उठा के ले जाना पड़ा, जो कि आज पीजीआई में जो है जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। इसके अलावा हमारे गांव में इससे पहले भी कई बंदे जो है 2-3 आदमी जो है यहाँ से सड़क में पहुँचाते ही एक्सपायर हो गए, जो कि मतलब डंडे में उठा के लेके गए उनको और साथ में चारपाई में उठा के ले गए और जो है जिंदगी और मौत से मतलब वहीं पर ही हॉस्पिटल तक नहीं पहुँचे हैं। इसलिए जो है सरकार से निवेदन है कि इस रोड के लिए अतिशीघ्र कार्रवाई की जाए। गोवा से सिरमौर पहुंचे 20 लोग भेजे गए क्वारंटाइन सेंटर। गोवा से पहुंचे सिरमौर के 20 लोगों को विभिन्न संस्थागत क्वारंटाइन सेंटरों में रखा गया है। ऊना से HRTC की बस के माध्यम से हरियाणा की सीमा से सटे औद्योगिक क्षेत्र कालांब इंटरस्टेट नाके पर सभी लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग कर उन्हें क्वारंटाइन सेंटरों में रखा गया। फिलहाल 7 दिन तक ये लोग क्वारंटाइन सेंटरों में ही रहेंगे, इसके बाद इनकी कोरोना टेस्ट से संबंधित सैंपलिंग होगी। रिपोर्ट के आधार पर ही इनकी घर वापसी हो सकेगी। बता दें कि जिला सिरमौर से 20 लोग गोवा से लौटे हैं, जिनमें से 11 विकासखंड शिलाई, 5 पांवटा साहिब, 2 नाहन व 1-1 व्यक्ति क्रमशः रेणुका व राजगढ़ क्षेत्र से संबंध रखते हैं, जिन्हें कालांब, पांवटा साहिब व टिम्बी में संस्थागत क्वारंटाइन में रखा गया है। CMO डॉक्टर KK पराशर ने बताया कि जिला के विभिन्न क्षेत्रों से ताल्लुक रखने वाले 20 लोग गोवा से वापस लौटे हैं, जिन्हें फिलहाल संस्थागत क्वारंटाइन सेंटरों में रखा गया है। 7 दिन के बाद इनकी सैंपलिंग होगी और रिजल्ट आते ही इन्हें होम क्वारंटाइन में भेज दिया जाएगा। रेड जोन से आए लोगों की ग्रुप सैंपलिंग के लिए तेज होगा अभियान। जिला में एक कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति की मौत के बाद जिला प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है, जिसके चलते अब होम क्वारंटाइन पीरियड पूरा करने के बाद प्रशासन के द्वारा सर्टिफिकेट दिए जाने पर ही लोग घरों से बाहर जा सकेंगे। जिला प्रशासन ने इसके पीछे एक और तर्क दिया है कि बाहरी राज्यों से आए कई व्यक्तियों के रैंडम सैंपल 12 दिनों के बाद लिए गए थे, वे भी पॉजिटिव आए हैं। DC हमीरपुर हरिकेश मीणा के अनुसार जब जिला में क्वारंटाइन रह रहे व्यक्तियों की ग्रुप सैंपलिंग करते हुए विशेष एक्टिव फाइंडिंग अभियान चलाया गया है। 25 अप्रैल के बाद 12 मई तक जिला में बाहरी राज्यों से 15,000 से अधिक लोग पहुंचे हैं और इनमें से लगभग 10,000 लोग रेड जोन से आए हैं। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे 14 दिन के बाद घर से तभी बाहर निकलें जब उन्हें ये प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाए। उन्होंने कहा कि अभी भी लगभग 7,500 लोगों ने हमीरपुर जिला में आने के लिए पंजीकरण करवाया है। प्रदेश सरकार के निर्देशों के अनुरूप रेड जोन से आने वाले सभी लोगों को अनिवार्य रूप से संस्थागत क्वारंटाइन केंद्रों में ही 14 दिनों तक रहना होगा। इवन समबडी हैज कंप्लीटेड 14 डेज ऑफ होम क्वारंटाइन पीरियड, वो अपने आप से ये जो नहीं करेंगे मैंने पूरा कर लिया और आई विल रोम अराउंड दी कहीं भी जाना। हमने इस मेडिकल की टीम के थ्रू जो आपकी सर्विलेंस टीम जाती है वो आपको सर्टिफिकेट देगी, वो सर्टिफाइड करेगी आपने कंप्लीट कर लिया विद रेस्पेक्ट टू मेडिकल एवरीथिंग। 14 डेज हो गए, यही आपका एक सफिशिएंट सर्टिफिकेट नहीं है। इसमें हम एंश्योर कर रहे हैं कि जो भी रेड जोन से आ रहे हैं उनका अगर 3-4 लोगों में है तो कम से कम एक आदमी का सैंपल लेके हम एंश्योर कर लें कि वो नेगेटिव है, या अकेला आया है तो अकेले का ही सैंपल लेना है। सो हम लोग ग्रुप सैंपलिंग का और मैक्सिमम सैंपल लेने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें एंश्योर कर रहे हैं कि कोई ही भी इस तरीके का व्यक्ति नहीं छूटे जिसको सिम्टम्स नहीं है लेकिन वो पॉजिटिव कोरोना केयर हो सकता है। 25 अप्रैल के बाद में 15,000 से ऊपर लोग होम क्वारंटाइन में है, उसमें लगभग 4,500 लोगों ने होम क्वारंटाइन पीरियड पूरा किया है। तो इस चीज़ को लेके हम पूरा एहतियात के तौर पर कदम उठा रहे हैं। हमारे 15,000 में से लगभग 10,000 लोग ऐसे हैं जो रेड जोन से आए हैं। हमने डिस्ट्रिक्ट में लगभग 6,000 के आसपास क्वारंटाइन जो इंस्टीट्यूट क्वारंटाइन की फैसिलिटी क्रिएट की है, लगभग 3200 के आसपास पंचायतों में, 250 के आसपास डिफरेंट सब डिविजन्स में जो स्कूल है या कोई हॉस्टल है और या रेस्ट हाउस जो भी अवेलेबिलिटी है उसके हिसाब से हमने अपनी कैपेसिटी एसेस की है। क्योंकि हमारे पास जो स्टेट बोर्ड में से डाटा आया है वो 7,500 लोगों ने रजिस्टर किया है जो हमें पुराना चाहते हैं बाहर से, तो उसको ध्यान रखते हुए हमने अपनी तैयारी पूरी की है। जो भी रेड जोन से आ रहे हैं बाहर से आ रहे हैं उनको कंपल्सरीली इंस्टीट्यूशन क्वारंटाइन में जाना पड़ेगा, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। और इसमें गवर्नमेंट की तरफ से भी डायरेक्शन है और हमने भी इसमें किया है, जो भी व्यक्ति इंस्टीट्यूशन क्वारंटाइन में है जो रेड जोन से आया है उनका 6ठे 7वें दिन हम उनका सैंपल लेंगे और
सैंपल की रिपोर्ट क्या आती है उसके अकॉर्डिंग उनको वहाँ रखना है, उनको आइसोलेशन सेंटर में भेजना है या होम क्वारंटाइन में। अगर छठे सातवें दिन सैंपल लेने के बाद उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो जो बचा हुआ पीरियड है क्वारंटाइन जो भी आ रहा है उसका 14 डेज का क्वारंटाइन पीरियड होता है और उन्हें 6 या 7 दिन वहाँ कंप्लीट कर लिए इंस्टीट्यूशन में, तो रेस्ट पीरियड को होम क्वारंटाइन के लिए घर भेज दिया जाएगा। स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल।